हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले की बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी। अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लोगे तो सभी सब्जियों का टेस्ट भूल जाओगे। ये चने का बूटा है जो हर जगह मिल जाता है। इससे हम ये जो टाट है इससे हम छोलियाँ निकाल लेंगे। इस तरह से हम बहुत सारे छोलिए निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इन्हें निकाल लिया है और अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इनमें हल्का सा रेत होता है, तो इन्हें अच्छे से साफ़ कर लें। ये छोलिए, ये धनिया पत्ती और ये 4-5 लहसुन की कलियाँ और ये हरी मिर्च ली हैं। टेस्ट के अनुसार आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। इन्हें हम कुंडी में डाल लेंगे, चटनी हम कुंडी में बनाएंगे, और हम टेस्ट अनुसार नमक डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक लिया है। इसमें लहसुन भी डाल देंगे और ये धनिया भी डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से हम बारीक सा कूट लेंगे। फ्रेंड, चटनी तो किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन कुंडी की चटनी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जहाँ तक उसकी आप अगर चटनी बनाते हो तो कुंडी में ही बनाए। ये देखिए, मैंने धनिया मिर्च लहसुन सब को अच्छे बारीक से पीस लिया है, अच्छे से कूट लिया है। अब इसमें हम ये छोलिए डाल देंगे और इन्हें भी कूट लेंगे। छोलियों को पहले हम धीरे धीरे कूटेंगे, नहीं तो ये उछल उछल कर कुंडी से बाहर भाग जाएंगे। इसलिए पहले इसे धीरे धीरे से कूटना होगा, ताकि ये थोड़े से टूट जाएं। टूटने के बाद छोलिया बाहर नहीं निकलेगा। और इस तरह से हम इन्हें धीरे धीरे से कूट लेंगे। जिस तरह से हमने मिर्चों को बारीक कूट लिया था, इसी तरह हम इन छोलियों को भी बारीक कूट लेंगे। फ्रेंड, छोलिए की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यह स्वादिष्ट होने के कारण बहुत ही गुणकारी भी होती है। तो इस तरह से हम इन्हें बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। ये देखिए, हमने चटनी को बिल्कुल बारीक कूट लिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही से फ्रेंड इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और दही खट्टी होने के कारण यह बहुत ही टेस्टी चटनी बन जाएगी, जो तीखी भी होगी और हल्की हल्की खट्टी भी होगी। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। जो ये हमारे सोटे पर चटनी लगी है, इसे भी हम चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। एक बार चम्मच से हम इसे फिर से मिला लेते हैं। देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस कैसी है। तो अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी छोले की चटनी बनकर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी है। इस तरह से बनाई गई चटनी एक बार अगर फ्रेंड आप खा लोगे तो सभी सब्जियों के टेस्ट आप भूल जाओगे। मेरा ये पक्का दावा है फ्रेंड, अगर आप एक तरफ ये चटनी और एक तरफ सब्जी रखोगे तो आप सब्जी नहीं ये चटनी खाओगे, क्योंकि इसका टेस्ट आपको सब्जी से ज़्यादा आएगा। आप इसे रोटी परांठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और फ्रेंड, इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड, जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तब भी आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो थी चटनी। अगर आप इसका रायता बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी दही और ऐड कर लें और उसे अच्छे से मिला लें, तो इसका रायता भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।